ओम शांति। 3 सितंबर 2020 के बाबा के साकार महावाक्य, आज की मुरली के 7 मुख्य पॉइंट्स। पहला, मीठे बाबा कहते, सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर बाबा समझाते, योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे, वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। तीसरा पॉइंट, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसी ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही हैं, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना ज़रूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए। चौथा पॉइंट, मीठे बाबा ने कहा, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। पांचवा पॉइंट, ऑलमाइटी बाबा ने कहा, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन, तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भाव का पैगाम मिलेगा, ये है महामंत्र। छठा पॉइंट, प्यारे बाबा कहते, ये ह्यूमन अश्व है, श्री बाबा का रथ हो, ये ख्याल रखने से भी श्री बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है, भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम श्री बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी श्री बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। सातवां पॉइंट, बाप दादा ने कहा, स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। ओम शांति। अब मुरली सर्वस्तार, मीठे बच्चे याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है, तुम योग बल से विजय पाते हो, मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है, स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप,
क्योंकि स्कूल में बैठे हैं, तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है, हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं, ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं, आत्मा पढ़ती है श्री बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है, पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे, तो वे भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है, आत्मा को ही सतोप्रधान बनना है, तुम सतोप्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि श्री बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं, बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है, इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है, अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे, अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था, अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान, योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर, तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा, तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे, वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं, कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है, इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है, पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं, आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में, फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगे, ये अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा, जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है, वहां तो शांति में है, फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है, आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहां आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे, एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे, दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, जो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही हैं, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं, बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए,
अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं, दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं, मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुख धाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा, अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी ज़रूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं, सत्युग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है
उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, पांच तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं। खानियां जो अब खाली हो गई हैं, वे सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं, विचार करो सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुँचते हैं, प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पॉम। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं, कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना, ये भी सिखाते रहते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पोंड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रखने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मिंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं
या ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति।